So these are the advantages of object diagram. They are used to make the prototype of a system. The कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कैसे फंक्शन परफॉर्म हो रहा है. रिवर्स इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं इसको. थर्ड है मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर. अगर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है तो उसको मॉडल करने के लिए हम क्लास डायग्राम से ऑब्जेक्ट डायग्राम को एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम फ्रॉम प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव. अब ये इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, कौन सा ऑर्डर नॉर्मल है, कौन सा स्पेशल. मीन्स इट कैन बी ड्रॉन टू यूज द टू शो द प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्पोनेंट डायग्राम. सो वॉट इज बेसिकली कॉम्पोनेंट डायग्राम. कॉम्पोनेंट डायग्राम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम इन UML. जो कॉम्पोनेंट डायग्राम इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डायग्राम इन UML. इट डू नॉट डिस्क्राइब द फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम बट इट डिस्क्राइब द कॉम्पोनेंट्स यूज टू मेक दोज फंक्शनलिटीज. अब जब भी आप सी या सी प्लस में कोई किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हो. सोर्स फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है, exe फाइल्स होती हैं फाइल्स. सो दीज आर बेसिकली इंक्लूडेड इन द कॉम्पोनेंट डायग्राम. जो भी फाइल्स हैं डॉट जावा करके फाइल्स बनती हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो डॉट asm करके आपने बनाया होगा कोड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो जो वो फाइल्स हैं दैट आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग द कॉम्पोनेंट डायग्राम. ओके, सो कॉम्पोनेंट डायग्राम आई यूज टू विजुअलाइज द फिजिकल कॉम्पोनेंट्स इन अ सिस्टम. कॉम्पोनेंट में कौन कौन से, सॉरी, सिस्टम में कौन कौन से फिजिकल कॉम्पोनेंट्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्पोनेंट डायग्राम. दीज कॉम्पोनेंट्स आर लाइब्रेरीज, पैकेजेस, फाइल्स एट्सेट्रा. जितनी भी लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो आप प्रोजेक्ट में, पैकेजेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जावा पैकेजेस बनाते हो आप, फाइल्स हैं डॉट exe फाइल्स हैं, कितनी फाइल्स बनती हैं डॉट asm फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो उन सारों को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द कॉम्पोनेंट डायग्राम. डायग्राम्स कैन ऑल्सो भी डिस्क्राइब एज अ स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन व्यू ऑफ अ सिस्टम. डायग्राम के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, आगे उसकी पैकेजेज हैं, फाइल्स हैं, दैट रिमेन स्टैटिक थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. वो स्टैटिक रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, सो इट रिप्रेजेंट द स्टैटिक व्यू ऑफ अ सिस्टम. इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. अ सिंगल कॉम्पोनेंट डायग्राम कैनॉट रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम बट अ कलेक्शन ऑफ डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल. But you can't represent all the components of your project using only one component diagram. You have to make multiple component diagrams for your project. Okay? So the purpose of component diagrams can be summarized as, now what is the purpose of component diagram? The purpose is to visualize the components of a system. Okay? What components a software developer has been used that are represented by using the component diagram. Second is construct executables by using forward and reverse engineering. Means describe the organization in the relationship of the components. Component में आपस में क्या relationship है और कैसे उनका organization है, मतलब how they are organized and how they are related with each other, that is represented by the component diagram. So what is the procedure that we must follow to draw the component diagram? इसके लिए भी template available है. So files used in a system, you have to identify the files that you are using in the system. Libraries and other artifacts. Artifacts means human made. What human means what a software developer used while designing the project, that are known as the artifacts. Okay, so libraries and other artifacts relevant to the application, ye aapko include karni hogi component diagram. Next, relationships among the artifacts. Artifacts mein aapas mein relationship. Artifacts kya hai, basically components hai. ठीक है, लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने यूज़ किए हैं, दैट आर बेसिकली द आर्टिफैक्ट्स. उनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है, ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है व्हाइल डिजाइनिंग द कंपोनेंट डायग्राम. आफ्टर आइडेंटिफाइंग द आर्टिफैक्ट, यू हैव टू कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स. यूज़ अ मीनिंगफुल नेम टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट. जैसे हमने ऑब्जेक्ट में यूज़ किया था कि ऑब्जेक्ट का जो नेम है दैट मस्ट बी लाइक दैट दैट इट विल बी डिस्क्राइबिंग द पर्पस. ओके, सिमिलरली कॉम्पोनेंट डायग्राम में कॉम्पोनेंट्स का जो नेम है दैट मस्ट बी लाइक दैट, कि कॉम्पोनेंट के नेम देखते ही पता चल जाए कि इसका पर्पज़ क्या है. ओके, सो प्रिपेयर अ मेंटल लेआउट बिफोर प्रोड्यूसिंग द यूजिंग टूल्स. थर्ड इज यूज नोट्स फॉर क्लैरिफाइंग इंपॉर्टेंट नोट्स. यू हैव टू यूज द नोट्स ग्राफिकल नोटेशन टू रिप्रेजेंट द मेन पॉइंट्स दैट आर इन योर कॉम्पोनेंट डायग्राम. So component diagrams can be used to model the components of system. That means whatever components are being used in your system that are represented by the component diagram.
Second is model the database schema. Database schema might be you have studied the DBMS. क्या था उसमें फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल. सो कॉम्पोनेंट डायग्राम यूज़ करके आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि फिजिकल लेवल पे कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, लॉजिकल लेवल पे कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, उस पर कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स. इट ऑल्सो मॉडल्स द एग्जीक्यूटेबल्स ऑफ एन एप्लीकेशन. मतलब जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं आपके प्रोजेक्ट की, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग द कॉम्पोनेंट डायग्राम. लास्ट इज मॉडल द सिस्टम सोर्स कोड. जो भी सोर्स कोड है उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग द कॉम्पोनेंट डायग्राम. सो दिस इज डायग्राम शोइंग द कॉम्पोनेंट डायग्राम मैनेजमेंट सिस्टम. जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल ली थी, एक ऑर्डर एग्जाम्पल ली थी हमने ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की. सिमिलरली ये डायग्राम है उसके लिए ही फॉर द कॉम्पोनेंट. ओके, कॉम्पोनेंट डायग्राम कैसे बनेगी. मान लो आपने उसमें एक कॉम्पोनेंट बनाया ऑर्डर डॉट जावा, स्पेशल ऑर्डर डॉट जावा, ओके, नॉर्मल ऑर्डर डॉट जावा, कस्टमर डॉट जावा. ये आपकी उसमें सोर्स कोड फाइल्स होंगी. ऑर्डर डॉट जावा में अलग कोडिंग होगी, स्पेशल ऑर्डर में अलग कोडिंग होगी. ठीक है, सिमिलरली इन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है. दीज आर शोन बाय दिस लिंक्स. ओके, अब डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो ऑर्डर जावा है वो आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहा है स्पेशल ऑर्डर को. ठीक है, ऑर्डर जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर रहा है नॉर्मल ऑर्डर को स्पेशल ऑर्डर. ऑर्डर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नॉर्मल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर. यहाँ पे कस्टमर आगे क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ऑर्डर को, क्योंकि कस्टमर इज गिविंग द ऑर्डर. ओके, सो दीज कॉम्पोनेंट्स आर रिलेटेड इन दिस फाइल्स एंड ऑल दीज फाइल्स आर जावा फाइल्स. ओके.